नमस्कार। आज जन सरोकार मंच के साक्षात्कार कार्यक्रम में जयपुर के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर शिवदत्त शर्मा शिव जी हमारे बीच मौजूद हैं। और डॉक्टर शिवदत्त शर्मा शिव जी का नाम कविता लेखन की दुनिया में बेहद जाना पहचाना है। इन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं और श्रृंगार और विरह के बारे में लिखी गई इनकी जो कविताएं हैं वो पाठकों को बेहद प्रिय हैं। और ये जयपुर में काफी लंबे समय से रह रहे हैं। यहाँ इनका अपना अपनी निजी डिस्पेंसरी है। आयुर्वेद के ये चिकित्सक हैं और हिंदी के पुराने कवियों में इनका नाम शामिल है। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी ने एक बहुत ही लंबा युग जो है साहित्य का उसको देखा है और उसको जिया है। यही कारण है कि इनकी कविताओं में अनुभूतियों की संवेदनाओं की गहराई है और कविता में समाज के साथ जीवन के साथ संवाद करने की जो कला होती है उसे अगर देखना हो तो हमें डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी की कविताओं को खास तौर पर पढ़ना होगा और गौर से उनको सुनना होगा, तभी हम कविता की लोकप्रियता के बारे में उसकी तरसता के बारे में हम ठीक से समझ पाएंगे। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी आपका स्वागत है आज स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आज आपसे बातचीत की शुरुआत में हम सबसे पहले आपके जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आप जयपुर के हैं ये तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन अपने बचपन के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, माता पिता के बारे में आप हमें स्मृतियों के आईने में जाकर थोड़ा विस्तार से बताएं। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा शिव जयपुर राजस्थान से हूँ और हम जयपुर में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जयपुर शहर हमारा पारिवारिक नगर है। मेरे फादर भी जो है वो, पिताजी भी जो है वो आयुर्वेद से चिकित्सक थे। उनकी खुद की डिस्पेंसरी जयपुर शहर के बीचों बीच थी, लेकिन भाग्य की विडंबना है कि वे मुझे 7 साल के उम्र में ही, 7 वर्ष की उम्र में ही छोड़ करके ईश्वर को प्यारे हो गए। मेरी माताजी ने बहुत संघर्ष करके मुझे पढ़ाया और 1972 में मैंने BAMS की डिग्री जयपुर से ही प्राप्त की। उसके बाद में मन में कुछ ऐसा था कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों की सेवा करूं, तो मैंने 10 वर्ष का लंबा जीवन गांव में ही गुजारा, गांव में ही लोगों की सेवा की। और उस समय जो 10 साल का मेरा जीवन गांव में गुजरा वो मेरे लिए बड़े ही, मैं ये कहूं कि मेरा स्वर्ण काल था। मैंने सनातन को, भारत को बहुत नजदीक से देखा है, राजस्थान के लोगों को, गांव के लोगों को बहुत नजदीक से देखा है, उनकी परेशानियां भी देखी है, जानी है। और इन सबको देखते हुए यदि मैं दूसरे शब्दों में यह कहूं कि मैं गांव में तप करके, तपस्या करके, या यूं कहें तप करके सोना बन करके निकला, मुझे बहुत अनुभव हुआ। और मेरे गीतों में उनका सबका आपको सामंजस्य भी मिलेगा। मैं कविता का मुझे बचपन से ही शौक था। मेरे पिताजी भी त्रिवेदी थे, त्रिवेद में आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे
और संगीत शास्त्र के ज्ञाता थे, इस तरह वो त्रिवेदी थे। पर क्योंकि हम ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मणों का काम ज्योतिष से, जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है, तो वो तो हमारे खून में, खून के कतरे कतरे में भरी हुई है। पर आयुर्वेद भी हमारे पिताजी ने, पिताजी के समय से हमारे खून में है, और उसी को, परंपरा को निभाते हुए पिताजी की इच्छा थी कि मेरा एक बेटा मेरे इस काम को संभाले। मैंने उनकी इच्छा को पूरी की और माताजी के संघर्ष के फल स्वरूप मैं इस पद पर आया। तो राजीव जी, जब मैंने BAMS किया तो मेरी माँ को बड़ा गर्व हुआ, वो मुझे गांव में लेके गई, जो हमारा पारिवारिक गांव है वहां लेकर के गई, और वहां लोगों ने बड़ा, मतलब जो है, खुशी प्रकट की कि एक बिना बाप का बेटा जो है वो वैद्य बनकर के आया है। और मेरे को उन्होंने इतना, मतलब मैं क्या बताऊं, इतना लाड किया, इतना मेरा प्यार, मेरे को प्यार दिया कि मैं अभिभूत हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए उनका प्रेम देख करके, क्योंकि मैंने इतने वर्षों तक अपने बड़ों का प्रेम नहीं देखा था। मैं पिता के प्रेम का भूखा था, और मुझे वहां मेरे ताऊ मिले, काका मिले, परिवार के लोग मिले, और उन्होंने मुझे प्यार किया, मेरा हृदय बढ़ाया। और तभी से मैंने विचार कर लिया था कि मैं गांव में लोगों की सेवा करूंगा, और इसी के अंतर्गत मैंने 10 वर्ष तक गांव में सेवा करी। उसके पश्चात बहुत सुंदर, उसके बाद बच्चे बड़े हुए तो वहां शिक्षा की, वहां कोई शिक्षा का साधन नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमें वापिस जयपुर आना पड़ा। दूसरा, मेरे छोटे भाई जो थे वो भी एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, सारे परिवार का भार मेरे कंधों पर ही आ गया था, इसलिए मुझे जयपुर में ही आकर के अपने आप को सेटल करना पड़ा, और मैं 80 से जयपुर में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जयपुर में ही अपनी क्लिनिक चला रहा हूँ। तो आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब, अब हम आपसे आपका कोई गीत सुनना चाहेंगे जिसमें आपके मन के जो संघर्ष और उमंग उल्लास के जो भाव रहे हैं उनको हम सुनना चाहेंगे, वैसा कोई एक गीत हम सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, मैं आपकी जो है वो अभिलाषा पूरी करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व अगर आप आज्ञा दें तो मैं माँ सरस्वती का आह्वान करके उन्हें पटल पर बुला लूं। हाँ बिल्कुल, माँ सरस्वती तो ज्ञान ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका स्मरण तो सबसे पहले होना चाहिए। हाँ, तो मैं माँ सरस्वती को 4 लाइनों से उनका आह्वान करता हूँ, उन्हें पटल पर आमंत्रित करता हूँ। माँ मेरी वरदायनी, साधकों को प्यार दो, माँ मेरी वरदायनी, साधकों को प्यार दो, ज्ञान ऐसा दो हमें कि तम से भी उबार दो, माँ मेरी वरदायनी, साधकों को प्यार दो। शब्द ऐसे गढ़ सके, आंधियों से लड़ सके, गीत ऐसे लिख सके, पापियों से भिड़ सके, दीप को ऐसी दे बाती। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी दे बाती रात को संवार दे, माँ मेरी वरदायनी, साधकों को प्यार दे, माँ मेरी वरदायनी, देश आगे बढ़ सके, प्यार सबसे कर सके,
दुश्मन ना कोई आ सके, ना सरहदों को छू सके, प्रहरियों के रक्त में मां, प्रहरियों के रक्त में मां, शक्ति का संचार दो मां मेरी वरदायनी, साधकों को प्यार दो मां मेरी वरदायनी, साधकों को प्यार दो, साधकों को प्यार दो। डॉक्टर हरशिवदत्त शर्मा साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने माँ सरस्वती की वंदना के साथ साथ आपने मन के जो सारे सुंदर भाव जो हो सकते हैं जीवन के, उनको भी आपने इस गीत में मोतियों की तरह से आपने पिरोया है। और ये आपके जीवन के जो संघर्ष हैं उसको भी आपने इनमें भाव के रूप में समेटा है इस गीत में। और आप मूलतः गीतकार हैं, आपके गीत जो हैं हमारी आत्मा को, हमारे मन प्राण को बिल्कुल वो स्पर्श करते हैं, और हम लोग आपके प्रति बहुत ही आभारी हैं कि आपके आपसे हम लोगों ने इतनी इतना सुंदर गीत आज सुना है। और शिवदत्त शर्मा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप आयुर्वेद के चिकित्सक के रूप में मनुष्य के जीवन के लिए जो आयुर्वेद जो है, जो स्वास्थ्य है, इसको आप कितना अच्छा मानते हैं, और इसके लिए हम लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कविता जो है वो हमारे मन प्राण को स्वस्थ करती है, हमारी मन में हमारे हृदय में नई चेतना का संचार करती है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो हमारे तन को, शरीर को निरोग रखता है। और एक संजोग है कि आप कवि भी हैं और चिकित्सक भी हैं, तो आयुर्वेद की महिमा पर आप थोड़ा अपने विचारों को रखें। सर, आपने बहुत ही अच्छा जो है वो प्रश्न किया है। सर, हमारे साथ में श्रीकंत जी तेलंग जुड़े हैं। श्रीकंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, आप पटल पर पधारे। श्रीकांत तेलंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय आयुर्वेद चिकित्सा जो है वो मैं आपको पहले बता दूं कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है, और सारी पद्धतियां मानव ने बनाई है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें एक धन्वंतरी, देव धन्वंतरी थे, वो आयुर्वेद को लेकर के प्रकट हुए थे, और ये चिकित्सा जो है वो देवों की हमारे को दी गई वरदान है एक तरह से। और इस चिकित्सा से, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो रोग को जड़ से निकालती है। इसमें समय थोड़ा लगता है, लेकिन रोग को जड़ से निकाल देती है, जबकि और चिकित्सा जो है, और चिकित्सा पद्धतियां जो है वो रोग को दबाती है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा जो है वो रोग को जड़ से खत्म करती है। दूसरा, आयुर्वेद में किसी प्रकार का केमिकल उपयोग नहीं किया जाता। आयुर्वेद संपूर्ण जड़ी बूटियों पर आधारित होती है, संपूर्ण नेचुरल पद्धति पे आधारित है। कई औषधियां तो ऐसी है जो हमारे घर में माता बहनों के रसोई में ही मिल जाती है, उनसे ही आधे रोग तो जो पहले की माताएं थी, पहले की जो महिलाएं थी, वो अपने बच्चों को रसोई के सामान से ही ठीक कर दिया करती थी। जिस तरह अगर पेट दर्द होता था तो अजवाइन की फंकी लगाती थी, दाना मेथी की फंकी लगा देती थी, दे देती थी, और उसका रोग पेट दर्द ठीक हो जाया करता था। जबकि आज जरा से पेट दर्द के लिए हम अपने बच्चों को लेकर के औषधालयों में, अस्पतालों में भागते हैं। तो आयुर्वेद पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसे हम घरेलू चिकित्सा भी कह सकते हैं, देव चिकित्सा भी कह सकते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल।
डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब, महर्षि भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की और ये शास्त्र जो है हमें निरोग रहने का संदेश देता है, संयम से जीवन बिताने का संदेश देता है। और आपने इसके बारे में हमें बताया है कि हमें आयुर्वेद को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति मानना चाहिए और आयुर्वेद हमें एक जीवन संस्कृति का संदेश भी देता है जिसमें सात्विकता हो, आहार विहार की उपयुक्तता हो, संयम हो। और आज इसका अभाव दिखाई दे रहा है समाज में, खान पान की अनियमितता जो है और जीवन शैली जो हमारी है, सर्वत्र प्रदूषण व्याप्त हो रहा है, प्रकृति जो है वो अपने नैसर्गिक रूप को खत्म कर रही है। यही कारण है कि हमारा जीवन संकट से घिरता चला जा रहा है और आयुर्वेद हमें धरती पर जीवन को बचाने का संदेश देता रहेगा सारी मानवता को। भारतीय भारतीय आयुर्वेद का ये सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन जो है वो सर्वोपरि है और भौतिकता की जो आंधी पूरी दुनिया में अभी जो व्याप्त है, जहां हम प्रकृति की स्वच्छता उसकी पावनता की परवाह भी नहीं कर रहे हैं और अपनी भौतिक लिप्साओं को पूरा करने के लिए हमने अपने जीवन को धरती पर प्रकृति को सबको एक तरह से हम नष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो इससे हम थोड़ा दूर हो जाएं और तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा। भौतिक जो वासना है हमारी वो हमें सुंदर नहीं बनाएगी, हमें आत्मिकता का जो संयम है वही हमारे जीवन को निरोग करेगा और तभी कविता भी जो है वो सचमुच धरती पर बची रहेगी। ये हमें आयुर्वेद का ये संदेश है। और शिवदत्त शर्मा साहब, आप अब हम लोगों को एक और अपनी कविता सुनाएं जिसमें श्रृंगार और विरह के जो भाव हैं वो हों और इस शीत ऋतु में आपकी इस कविता को सुनकर हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, गर्माहट आ जाए। तो राजीव जी, श्रृंगार जहां होता है वहां प्रेम होता है, प्रेम के बिना श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार के बिना प्रेम नहीं होता। प्रेम शाश्वत है और श्रृंगार जो है सभी रसों का राजा है, इसे रसराज कहा जाता है। श्रृंगार के बिना कोई भी रस सब व्यर्थ होता है। तो श्रृंगार में जब प्रेम होता है तो प्रेम के शब्दों में प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह रहा है, आमंत्रित कर रहा है बड़े ही शुद्ध शब्दों के साथ में। प्यार दामन में भर कर चले आइए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के मंदिर सा घर है मेरा, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। प्रथम बंद है, बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए, काशी मथुरा सपावन बना दो इसे। देखिए क्या अभिलाषा प्रकट कर रहा है एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को, काशी मथुरा सपावन बना दो इसे, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। नायिका कह रही है बिल्कुल, कैसे कैसे आऊं मैं मिलने तुमसे सनम, मुझको बैरी जमाने का लगता है डर, कैसे आऊं मैं मिलने तुमसे सनम,
मुझको बैरी जमाने का लगता है डर, पंख होते तो उड़कर। अभी जो आपने गीत सुनाया, श्रृंगार का गीत, विरह का गीत, मन का उमंग उल्लास, इसमें बिल्कुल वसंत का भाव लेकर हमारे मन को अभिभूत कर गया है आपका, आपकी आत्मा का स्वर। आप अपनी नई कविता आप सुनाएं। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब, आप अपनी कोई नई कविता सुनाएं। शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो फिर आप अपनी कोई नई कविता आप सुनाएं। हाँ सर, अपनी कोई नई कविता अब आप सुनाएं। हाँ, श्रृंगार की ही कविता है। गीतों की बंजारण आई, देखो मेरे गांव में। गीतों की बंजारण आई मेरे दिल के गांव में, डेरा डाल दिया है उसने, डेरा डाल दिया है उसने मन मंदिर की छांव में, मन मंदिर की छांव में। वाह वाह, बहुत सुंदर। बंजारण आई मेरे दिल के गांव में, इक तारा यूं वादन करती, मन के तार हिलाती है। सात सुरों में ऐसे गाती, सबकी नींद उड़ाती है। शब्द शब्द में अमृत बरसे, शब्द शब्द में अमृत बरसे, गाती मीठे भाव में, गाती मीठे भाव में। गीतों की बंजारण आई मेरे दिल के गांव में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला बंद है। सतरंगी वो लहंगा पहने, झिलमिल चूनर ओढ़ती। वाह वाह, बहुत सुंदर। सतरंगी लहंगा वो पहने, झिलमिल चूनर ओढ़ती। चनक चनक चन चूड़ी बजती, मस्तक बिंदिया सोहती। नृत्यकार को नृत्य सिखाती, नृत्यकार को नृत्य सिखाती, घुंघरू पहने पांव में। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घुंघरू पहने पांव में। गीतों की बंजारण आई मेरे दिल के गांव में। अंतिम बंद है। पतित पावन हृदय हो जिसका, उसकी कलम संवारती। पतित पावन हृदय हो जिसका, उसकी कलम संवारती। सरस्वती उसी को प्राप्त होती है जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसका मन पवित्र होता है। गीत छंद चोपे, गीत छंद दोहे चोपाई, कविता को वो निखारती। अक्षर अक्षर रंग भरती है, अक्षर अक्षर रंग भरती है, गाते सब ही
छाओं में, वाह वाह, बहुत रातें सुंदर, बहुत सुंदर। सही चाओ में, गीतों की बंजारण आई, देखो मेरे गांव में डेरा डाल दिया है उसने, मन मंदिर की छांव में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मन मंदिर की छांव में। बहुत राजीव सुंदर। जी, कवियों के पास जो है कोई संगीत नहीं होता है, कोई जी ताल नहीं होती है, वो अपने शब्दों से ही अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है। और शब्द जितने सुंदर होंगे, प्रस्तुति जितनी सुंदर होगी, गीत भी उतना ही सुंदर बनेगा, उसकी कविता भी उतनी ही सुंदर बनेगी और लोगों के हृदय तक पहुंचेगी। यदि हृदय तक उनके शब्द नहीं पहुंचते हैं तो कविता बेकार होती है, वो गजल बेकार होती है, वो छंद बेकार होता है। आज के दौर में हमारी जो कविता है उसमें जो गीत तत्व तो जो है निरंतर उनकी कमी होती हुई दिखाई दे रही है, और आज के जो कवि हैं उन्होंने बहुत सीधा सरल रास्ता अपना उन्होंने ग्रहण कर लिया है। मुक्त छंद में बस प्रवाह पर ध्यान देते हैं वो, और आज जीवन की जो विडंबनाएं हैं, जो विसंगतियां हैं, वो सिर्फ बस वही उनके उनकी कविताओं की विषय वस्तु बनता हुआ अक्सर दिखाई देता है। लेकिन डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब, आपने अपनी अपनी कविताओं के लेखन से इस बात को बहुत ही मजबूती से सामने रखा है कि जो जीवन की जो सुंदरता है वही हमारी हमारे हृदय को वो ऊर्जस्वित करता है। और मुझे वो संस्कृत का कथन भी याद आ रहा है कि काव्यम रसात्मकम वाक्यम, काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और हमारी जो रस परंपरा है, हमारी काव्य परंपरा में ये भरत मुनि ने रस का प्रवर्तन किया, रस का संचार किया, तो आपकी कविताएं जो हैं उसके सुंदर साक्ष्य के रूप में देखी जा सकती हैं। तमाम तरह के जो भाव हैं वो सब रसों के माध्यम से आपकी कविताओं में बहुत ही जीवंतता से प्रवाहित होते हैं, और ये आपके काव्य लेखन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। और आप अपना काव्य पाठ जारी रखें, आज आदरणीय, अब बहुत आध्यात्म की तरफ जाता हूं। आध्यात्म में जो कविता मैंने लिखी है जी मैं अध्यात्म आपके तो साथ, हमारी हमारी काव्य साधना का आधार रहा है, वो तुलसी और सूर और कबीर की जो साधना है सगुण और निर्गुण, अध्यात्म की जो चेतना है ब्रह्म के साथ लोक के एकाकार होने की जो कामना है हमारे जीवन में, हमारी काव्य परंपरा में उसका बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। और उस उसी परंपरा में आप काव्य पाठ करना चाह रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। तो आदरणीय, श्रृंगार और प्रेम के देवता के रूप में यदि किसी को कहा जाए तो कृष्ण है। जी कृष्ण ने जितना श्रृंगार कृष्ण का होता है उतना शायद किसी और देवता का नहीं होता, किसी और मूर्ति का नहीं होता। और प्रेम का देवता भी कृष्ण को ही कहा जाता है, तो कृष्ण से ही मैंने पुकार लगाई है, सुनिएगा। ओ मेरे कन्हैया, मैं वर मांगता हूं, दुनिया रहे खुशी से, दुआ मांगता वाह वाह, हूं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे कन्हैया, मैं वर मांगता हूं, दुनिया रहे खुशी से, ये वर मांगता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हूं, गरीबों को तू धन दे दे कन्हैया, मरीजों को सेहत तू दे कन्हैया, गरीबों को तू धन दे दे कन्हैया, मरीजों को सेहत
तू दे दे कन्हैया तन और मन की दुआ मांगता हूँ, दुनिया रहे खुशी से दुआ मांगता हूँ। ओ मेरे कन्हैया ये वर मांगता हूँ, दुनिया रहे खुशी से दुआ मांगता हूँ। जो दूर बिन बात के हो गए हैं, बरसों से जो बिछड़े हुए हैं, जो दूर बिन बात के हो गए हैं, बरसों से जो बिछड़े हुए हैं, बिछड़ों के मिलन की दुआ मांगता हूँ, दुनिया रहे खुशी से ये दुआ मांगता हूँ। ओ मेरे कन्हैया ये वर मांगता हूँ, दुनिया रहे खुशी से दुआ मांगता हूँ, दुआ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मांगता हूँ। अब कृष्ण कृष्ण जो है वो हम लोगों को समस्त खुशियां प्रदान करते हैं। कृष्ण ने हम लोगों को अनाथ अनाथ नहीं होने दिया, उन्होंने ये गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी पर उठा लिया और उन्होंने इंद्र के कोप से ब्रज को बचाया। मतलब वो उद्धारक हैं, तमाम तरह के संकटों से ईश्वर के रूप में वो हमारी रक्षा करते हैं। और आपने वही कामना प्रकट की है इस कविता में, ईश्वर जो है वो हमें हमारी रक्षा करें और हमारे जीवन का उद्धार करें, हमारे जीवन को सुखी बनाएं। और ये मनुष्य का सबसे बड़ा प्रेम है भगवान के प्रति। वो अपने जीवन को के बारे में मानता है कि हमें जो जीवन मिला है ईश्वर से, तो ईश्वर इसे निरंतर सुखी रखे, ईश्वर इसे निरंतर सुखी रखे। और इसके लिए वह निरंतर ईश्वर का ध्यान करता है और ईश्वर उसको सब कुछ प्रदान करता है और कृष्ण जो है वो उसके प्रतीक हैं। आपके इस आध्यात्मिक भाव विचार से परिपूर्ण गीत को सुनकर डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब हम लोग अभिभूत हुए हैं। और आप अपनी दूसरी कविताएं भी सुनाएं। अब मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जीवन की कविता पर चलता हूं। बिल्कुल, जिसमें जनजीवन का कुछ वर्णन हो, समाज का, जनजीवन का परिवेश है ना, और दुनिया, दो कविताएं हैं, उन्हें मैं एक साथ प्रस्तुत करूंगा। पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे, तमाम उम्र प्यार का, तमाम उम्र प्यार का इजहार ढूंढते रहे। पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहला बंद है, पुतले खड़े हैं यहाँ इंसान रूप धार के, भर रहे तिजोरियां
जमीर अपना मार के पुतले खड़े हैं यहाँ, इंसान रूप धार के भर रहे तिजोरियां, जमीर अपना मार के कांच के महलों में हम, कांच के महलों में हम दीवार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, लती संसार में हम प्यार ढूंढते रहे, प्यार में वादे बहुत हैं, आंखों में धोखे बहुत, प्यार में वादे बहुत हैं, आंखों में धोखे बहुत, वादों में वादे बहुत हैं, धोखों में धोखे बहुत, रूप के जंजाल में हम, बहुत सुंदर, जंजाल में संसार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे। अंतिम बंद है, आदमी की भीड़ में इंसान ढूंढते रहे, इंसानियत के रूप में भगवान ढूंढते रहे, आदमी की भीड़ में इंसान ढूंढते रहे, इंसानियत के रूप में भगवान ढूंढते रहे, दर्द अपना बांट ले जो, दर्द अपना बांट ले वो यार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे, प्यार ढूंढते रहे, प्यार ढूंढते रहे। अब मैं आता हूं आदरणीय विरह की ओर, क्योंकि समय भी कम रह गया है, 17-18 मिनट हैं, तो 2-4 रचनाएं विरह की मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि विरह रस एक ऐसा रस है जो खूब लिखा गया है, कवियों ने विरह रस बहुत लिखा है। मिलन रस कम लिखा गया है, इसका कारण है कि जब मिलन होता है तो केवल दो आत्माएं होती है, वहां तीसरा कोई नहीं होता। बिल्कुल, रामचरितमानस में भी तो विरही है ना, रामचरितमानस में सीता का जो प्रसंग है, सीता हरण का प्रसंग, उसके बाद तो युद्ध का जो पूरा परिवेश है, राम की जो विजय गाथा है, सबके मूल में तो राम का विरह ही है ना, और फिर अधर्म से विरह, धर्म से विरह, धर्म जीवन से दूर होता जा रहा है और हम उसके विरह में निरंतर उसे ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। सूरदास के काव्य में देखिए, गोपियों का जो प्रेम है वह विरह के भावों को प्रकट करता है, ईश्वर को पाने की बेचैनी और लालसा, और दुख जो है यहाँ पर भी विरह है, सुख को पाना हम चाहते हैं और निरंतर उसे पाने की कोशिश करते रहते हैं, और वही पीड़ा वही व्यथा जो है आपकी इन गीतों में भी प्रकट हो रही है। पत्थरों के शहर में, शहर जो है वो पत्थर बनता चला जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप अपने अपना अपना दूसरा गीत सुनाइए, बहुत अच्छा लगा है सुनकर के। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाता है या प्रेमिका अपनी अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है, तो उनके मन में जो पीड़ाएं उठती है, जो शब्द उठते हैं, उनको मैंने इस
रचना में, इस कविता में पिरोया है। कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ए सनम, कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम, हर तरफ तू ही तू आती, हर तरफ तू ही तू आती, नजर है ओ जाने मन, नजर है ओ जाने मन, कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम। इसमें कुछ उर्दू के शब्द मैंने प्रयोग किए हैं। तेरी सांसों की हरारत मेरी रूह तक उतरी है, तेरी सांसों की हरारत मेरी रूह तक उतरी है, आईने की तेरी शरारत, आईने की तेरी शरारत अब तक दिल में बसती है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम। अगला बंद है, तेरा मिलना मिल के कहना, साथ रहेगा ये हरदम, तेरा मिलना मिल के कहना, साथ रहेगा ये हरदम, तेरी प्यारी प्यारी बातें, तेरी प्यारी प्यारी बातें भूल सकते कभी ना हम, भूल सकते कभी ना हम, कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम। अंतिम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तक भी दिल में बसती है तेरी जुल्फों की महक, अब तक भी दिल में बसती है तेरी जुल्फों की महक, हम दीवाने हो के फिरते, हम दीवाने हो के फिरते, प्यार में तेरी कसम, प्यार में तेरी कसम, प्यार में तेरी कसम, प्यार में तेरी कसम। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब, आपके इस गीत को सुन करके और भी हमें खुशी हुई है और बहुत अच्छा लगा है, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि आप अपने प्रांत के बारे में भी हम लोगों को बताएं। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ की जो लोक संस्कृति है और राजस्थान की जो गरिमा है वो सर्वविदित है। वीरों की भूमि है ये, और ये प्रांत जो है जीवन की बहुरंगी छटा को प्रकट करता है अपने जनजीवन में, तो राजस्थान के बारे में आप बताएं। देखिए, राजस्थान यदि क्षेत्रफल के बारे में जाना सोचा जाए तो भारत का सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान है। इसकी सीमाएं एक तरफ यूपी से मिलती हैं, ब्रज से मिलती हैं, तो एक तरफ मध्य प्रदेश से मिलती हैं, एक तरफ हरियाणा पंजाब से मिलती हैं, तो एक तरफ पाकिस्तान से मिलती हैं। बहुत बड़ा प्रांत है, और इस प्रांत में राजस्थानी भाषाओं में भी करीब 10 भाषाएं ऐसी हैं जो कि राजस्थानी होते हुए भी थोड़ी सी उनमें क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा उसमें अंतर आता है, लेकिन राजस्थान की भाषा बड़ी प्रिय भाषा है। राजस्थान की भाषा लोग बार बार सुनना चाहते हैं,
बोलना भी चाहते हैं, लोगों ने प्रयास भी बहुत किया है। राजस्थान जैसा कि शब्द है, राजाओं का स्थान, और राजा वो राजा जिनमें महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं किया, बन बन भटके, घास की रोटियां खाई, और उनके अनुयायी आज भी जिन्हें हम गाड़िया लुहार कहते हैं, वे घर बना करके नहीं रहते हैं, गाड़ी में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ खाई थी, किली थी, कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, हमारा चित्तौड़ जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाता, कुंभलगढ़ जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाता, हम लोग घरों में नहीं रहेंगे। तो महाराणा प्रताप जैसे देश की भूमि राजस्थान है। राजस्थान में विद्वान भी बहुत हुए। हम जयपुर की बात करें, जयपुर दूसरी काशी कहा जाता है। यहाँ बहुत विद्वान हैं, बहुत तरह के सारी विधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे आप संगीत विधा ले लीजिए, चाहे आप काव्य विधा ले लीजिए, चिकित्सा विधा ले लीजिए। हमारे जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जो पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज से जो लड़के निकल के जाते हैं, जो डॉक्टर निकल के जाते हैं, उन्हें विदेशों में हाथों हाथ लिया जाता है। ये ऐसी उनकी उस अस्पताल की इतनी बढ़िया साख है कि विदेश लोग ये समझते हैं कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से यदि ये पढ़ करके आया है डॉक्टर, तो ये बहुत कामयाब डॉक्टर होता है। कश्मीर के जो फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने भी डॉक्टर की डिग्री जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से ही ली है। अच्छा। और जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है। यहाँ की यदि ऐतिहासिक इमारतों को देखा जाए तो हवा महल जैसी इमारत यहाँ मौजूद है, अल्बर्ट हॉल, और यहाँ शिल्पकारों की नगरी भी है ना, जयपुर शिल्पकारों की नगरी भी है, पत्थर की मूर्तियां, सुंदर मूर्तियां, सारे देश के मंदिरों में विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनती हैं, सारी विधाएं जयपुर में मौजूद है। मूर्तिकारों का अलग मोहल्ला है, रंगरेजों का अलग मोहल्ला है, स्वर्णकारों का अलग मोहल्ला है, जहां मीनाकारी होती है। मीनाकारी जयपुर के अतिरिक्त और कहीं नहीं होती है, या तो ईरान में होती है या फिर जयपुर में होती है। अब हो सकता है कि सारे भारत में फैल गई हो, लेकिन ईरान से सीधी जयपुर में ही मीनाकारी का काम जो सोने पर हुआ करता है वो जयपुर से ही चला है। हमारे जयपुर में वस्त्र उद्योग भी बहुत बढ़िया है, छपाई का उद्योग बहुत, सांगनेरी जो प्रिंट है वो पूरे विश्व में विख्यात है। वो हाथों से प्रिंट की जाती है और ऐसा उसका रंग होता है कि वो धोए से भी नहीं, छुड़ाए से भी नहीं छूटता है, इतना गहरा रंग होता है और इतना चटकीला और इतने साफ जो है वो प्रिंट होती है कि देखते ही आदमी मुग्ध हो जाता है। तो ये जयपुर की कुछ खास बातें थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। जयपुर में आमेर जो पहले जयपुर की राजधानी हुआ करता था, अकबर के जमाने में जो राजा मानसिंह जी थे उनकी राजधानी आमेर ही थी। आमेर में आज भी शीश महल करके एक बहुत बड़ा विशाल प्रांगण है जो विश्व विख्यात है। आमेर का शीश महल और आगरे का ताजमहल, इनकी दोनों के बराबर जो है इनको मान्यता प्राप्त है। तो जयपुर जैसा, जयपुर की सड़कें इतनी, बसावट इतनी अच्छी है कि आदमी कहीं भी खड़ा हो जाए और कहीं भी मुंह करके चल दे, वो उसी पॉइंट पर आकर के रुकेगा। एक रास्ता, कहीं कोई रास्ता एक दूसरे से बंद नहीं होता है, एक दूसरे जाकर के वो रास्ता मिलता ही मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जयपुर में आदमी गुम नहीं हो सकता, किसी भी रास्ते पर चला जाए, उसे अगर मान लो बड़ी चौपड़ पर पहुंचना है, वो सीधा मुंह कर ले, वो सीधा बड़ी चौपड़ पर पहुंच जाएगा। छोटी चौपड़ पहुंचना है, छोटी चौपड़ पर पहुंच जाएगा। हमारे जयपुर में तीन चौपड़े हैं, यानी तीन बड़े चौराहे हैं, वहां पर चौकोर पार्क बने हुए हैं, फव्वारे लगे हुए हैं उनमें। सड़कें इतनी चौड़ी है कि जिस काल में जयपुर बना था आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस काल में इतनी चौड़ी सड़कें बनी होगी, जिन्हें आप आठ लेन की चौपड़े सड़कें कह सकते हैं। ऐसी सड़कें उस जमाने में आज से 800 साल पहले जयपुर में बनाई गई थी। बिल्कुल, जयपुर भारत का गौरव है। ये नगर जो है ये
प्राचीन गरिमा को समेटे हुए है। मध्यकाल में यहाँ के राजाओं ने इस नगर को सुसज्जित किया, गरिमा प्रदान की और यहाँ का हवा महल तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। जयपुर में गया हूँ मैंने, मुझे याद आ रहा है जो रिंगस होते हुए जो मंदिर है बाबा श्याम का, तो वहां मैं एक बार गया था। तो जयपुर उतरा था मैं सुबह में और फिर रिंगस के लिए मुझे वो ट्रेन मिली थी और मैं वहां दर्शन करने के बाद फिर वापस जयपुर आया था और फिर मैं अनन्या एक्सप्रेस से वापस लौट कर बिहार आया था। लेकिन मेरा मोबाइल जो है वो गुम हो गया था रात में। रात में जयपुर स्टेशन पर मैं प्रतीक्षालय में मैं सो गया था और सो क्या गया था, ऐसे ही मतलब ऊंघ रहा था, मैं उनिधि अवस्था में था मैं, और किसी ने मेरा मोबाइल निकाल लिया जेब से। सुबह में मुझे बहुत परेशानी हुई, फिर मैंने किसी से मोबाइल लेकर घर के लोगों को फोन किया कि अनन्या एक्सप्रेस से मैं कल आऊंगा, चिंता मत करना, मोबाइल किसी ने ले लिया है। और फिर अनन्या एक्सप्रेस से सवाई माधोपुर होते हुए, हमको याद है गर्मी का मौसम था और बहुत हम लोग बेचैन थे, लेकिन ट्रेन जो है पूरी रफ्तार से चल रही थी, बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन है, अब तो शायद उदयपुर तक जाती है। हाँ, उदयपुर जाती है अनन्या एक्सप्रेस जो है, ये देश की एक ऐसी ट्रेन है जो बहुत लंबी दूरी को तय करती है और बहुत तेज गति से ये चलती है, बहुत कम जगहों पर इसका ठहराव है। तो पटना में सुबह में मैं 9 बजे के आसपास में मैं उतरा और फिर दूसरी ट्रेन से मैं गांव आया। तो जयपुर शहर को मैंने उस दौरान देखा था और स्टेशन पर जो माहौल दिखाई दे रहा था उससे लोग सब काफी परिष्कृत अभिरुचि के लोग सब दिखाई दे रहे थे अपने बात व्यवहार में, बोलचाल में। और प्रतीक्षालय में भी जब मैंने लोगों को बताया कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है तो लोगों ने बहुत सहानुभूति भावना प्रकट की। तो बहुत ही आज खुशी हुई है कि आपसे मुलाकात हुई, जनसरोकार मंच के समस्त दर्शकों और श्रोताओं को आपसे सुंदर गीत सुनने को मिले, आपने आयुर्वेद के बारे में बताया, आपने जयपुर के बारे में बताया, इतिहास के बारे में बताया, और सबसे बढ़कर कि आज हम चाहते हैं कि अब कार्यक्रम समाप्त होने से पहले आप साहित्य का जो संदेश है वो आप हमें दें कि साहित्य जो है एक बेहद संकट के समय में, जब साहित्य के बारे में बताया जा रहा है कि इसका इसकी जगह समाज में निरंतर कम होती चली जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान, साहित्य कवि भी साहित्य की एक शाखा है। कभी वो कवि होते हैं जो भगवान से भी भिड़ जाते हैं। कवि की कविता में वो जोश होता है जो सैनिक को लड़ने के लिए बाध्य कर देता है, उसमें जोश भर देता है, उसके रक्त में ऐसा जोश भरता है कि वो विजय प्राप्त करके वापस लौटता है। जी, कविता कवि जो है, कवि वाल्मीकि जी हुए, उन्होंने भगवान राम से भी, राम ने जब अपनी सीता को छोड़ दिया तो वाल्मीकि जी ही ऐसे कवि थे जिन्होंने राम की ठुकराई हुई सीता को अपनाया था, जिसे कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। ये कवि की ही हिम्मत है जिसने भगवान की ठुकराई हुई सीता को भी अपनाया था। तो साहित्य में और कविता में इतनी शक्ति होती है कि वो परिणाम बदल सकती हैं, परिणाम बदल देती हैं। आप जयपुर की बात कर रहे थे, जयपुर की एक विशेषता और है कि जयपुर की वे सब इमारतें आपको गुलाबी रंग की मिलेगी और इसीलिए गुलाबी नगरी कहा जाता है इसे, पिंक सिटी के नाम गुलाबी नगरी। तो आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, आपका सानिध्य भी बढ़िया रहा और एक अविस्मरणीय कार्यक्रम बन पड़ा है ये। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब, स्टूडियो में आप आए और आपने अपनी कविताएं पढ़ी और बहुत ही आपने सुंदर बातें हमें बताई हैं और हम इसके लिए आभार प्रदर्शित करते हैं जन सरोकार मंच की ओर से। आगे भी हमारे कार्यक्रमों में आप भाग लेते रहें और हम लोग भी साहित्य सागर जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
नमस्कार। तो फिर नमस्कार, विदा, फिर मिलेंगे कभी इसी मंच पे या किसी अन्य मंच पे।